स्वागत आपका नए वीडियो में। दोस्तों, जो मैंने अमेजोन से सामान मंगाना था वो मेरा सामान आ चुका है। उसकी आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ कि मैंने क्या क्या सामान मंगाया है, और वीडियो के एंड में मैं उन सब का प्राइस भी आपको बताऊँगा। ये सारा सामान बहुत ही ज़रूरी सामान था जो कि मुझे ट्रैवलिंग के दौरान ज़रूरी चाहिए था। ये तो आज नहीं तो कल मैंने मंगाना ही था सामान। तो चलो दोस्तों, एक बार आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्या क्या सामान मंगाया है, और उन सबको ओपन करके दिखाता हूँ आपको, ताकि आपको भी ये कभी मंगाना पड़े तो आपको आइडिया हो जाए कि ये सामान इतने रुपए का पड़ता है। दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट, और एक एक करके मैं आपको सामान बताता हूँ कि मैंने क्या क्या सामान मंगाया है। अमेजोन से मंगाया है ये मैंने सारा सामान। दोस्तों, पहले नंबर पर जो मुझे ज़्यादा ज़रूरी था, ये मैंने मंगाया है 20,000 mAh का पावर बैंक। ये मैंने फ़ोन को चार्ज करने के लिए और कैमरे को चार्ज करने के लिए मंगाया है, ये देखो। और इन सब का प्राइस मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। दूसरे नंबर पर दोस्तों, मैंने मंगाया है, जो मैंने गोप्रो मंगाया था पिछले वीडियो में, मैंने आपको बताया था गोप्रो कैमरा जो था मेरा, एक्शन कैमरा, उसका साथ के साथ प्राइस भी बताया था आपको। उसका स्क्रीन का गार्ड मंगाया है मैंने, उसको प्रोटेक्ट रखने के लिए। तीसरे नंबर पर दोस्तों, मैंने अपने कैमरे के लिए एक ही एक कवर मंगाया है, जो कि अगर कैमरा कहीं पे गिरता है या फिर कहीं पे टच होता है, ताकि कैमरे को नुकसान ना हो जाता, ये स्क्रीन को प्रोटेक्ट रखने के लिए, जो आगे छोटा कैमरा था उसको प्रोटेक्ट रखने के लिए। साथ ही साथ ये अपने हाथ में डालने के लिए मैंने एक ये, इसके साथ ही आया है ये, इसके साथ में आया है ये। चौथे नंबर पर दोस्तों, मैं बात करूँ तो एक मैंने मंगाया है सैंडिस्क का एक्सट्रीम 128 GB का मेमोरी कार्ड, ये भी मैंने कैमरे के लिए मंगाया है व्लॉगिंग के लिए। और दोस्तों, पांचवें नंबर पर मैं बात करूँ तो मैंने एक ये छाता मंगाया है, कहीं पर ट्रैवलिंग में अगर मैं करता हूँ तो बारिश के दौरान कहीं मैं ना भीग जाऊँ या फिर सामान ना भीग जाए, इसलिए छाता मुझे मंगाना पड़ा। नेक्स्ट आइटम की ओर चलते हैं दोस्तों, मैंने एक मंगाया है कैंपिंग टेंट, एक ये कैंपिंग टेंट मैंने मंगाया है, ये देखो, ऐसा ऐसा लगेगा ये जब मैं इसको लगाऊंगा तो, कहीं पर भी अगर मैं जाता हूँ, मुझे अगर टाइम मिलता है या फिर जगह मिलती है लगाने के लिए टेंट को, तो मैं इसको लगा सकता हूँ। और साथ के साथ जो मेरा रूम का जो चार्ज है वो भी बचेगा इसको लगाने से। और इसके अंदर मैंने बिछाने के लिए नीचे एक मैंने ये मैट लिया है, ये इसके अंदर मैं बिछा सकता हूँ। और इसको साथ के साथ ओढ़ने के लिए, मुझे अगर मैं जैसे पहाड़ों में जाता हूँ और वहाँ पर अगर ठंड होती है, तो उसके लिए मैंने एक स्लीपिंग बैग भी मंगाया है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। एक मैंने ये स्लीपिंग बैग मंगाया दोस्तों, इसके अंदर आराम से घुस के आराम से सो सकता है बंदा, तो कंबल की ज़रूरत नहीं रहती इसको ओढ़ के सोने से, और ठंड भी नहीं लगती है। और सबसे लास्ट में दोस्तों, मैंने एक मंगाया है, ये ट्रैवलिंग के लिए मैंने एक बैग मंगाया है अपने लिए, जो कि 55 लीटर का बैग है दोस्तों। इसमें अपना सारा सामान आ जाएगा, जूते कपड़े से लेके और भी बहुत सारा सामान इसके अंदर आ जाएगा। और एक मैंने दोस्तों ये मंगाया है टावल, जो कि पतला सा टावल है, ये जल्दी सूख भी जाएगा अगर गीला होता है तो, और लाइट वेट टावल है बिल्कुल। तो सारा सामान दोस्तों, ये मुझे ज़रूरी सामान था, और मुझे मंगाना ही मंगाना था ये सामान, आज नहीं तो कल, तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और साथ के साथ अभी दोस्तों, इनका प्राइस भी बताता हूँ कि कौन सा सामान मुझे कितने का पड़ा है। दोस्तों, जो ये टावल है, टावल मैंने दिखाया था, ये 550 रुपये का है, 550 रुपये का है MRP, और इस पे 10% मुझे HDFC का जो मेरा डेबिट कार्ड था उसके थ्रू डिस्काउंट हुआ है। इन सारे ही सामान पे मुझे 10% डिस्काउंट हुआ है, और इनका मैं आपको प्राइस बताते चलता हूँ, तो आप 10% इसमें से माइनस कर लेना। तो जो छाता है अपनी वो 171 रुपये की थी, 171 रुपये की थी, 10% ऑफ हुआ है इस पे। जो स्लीपिंग बैग मैंने दिखाया था आपको, वो 1200 रुपये का है, 10% डिस्काउंट होकर। 1080 जो का पड़ा कैंपिंग है। टेंट मैंने दिखाया है वो 1170 रुपये का था, और 1050 का पड़ा है मुझे 10% डिस्काउंट करके। तो कैंपिंग टेंट मुझे 1050 के आसपास का पड़ा है। और जो मैंने बैग मंगाया है ये 55 लीटर का, ये दोस्तों मुझे 680 रुपये का है, डिस्काउंट करके मुझे 610 रुपये के आसपास पड़ा है।
और जो ये मैट था ये 394 रुपये का था, 10% डिस्काउंट हो गया इस पर। और जो टेम्पर्ड ग्लास था मेरे कैमरे के लिए ये वाला, ये मुझे 300 रुपये का था, 270 रुपये का पड़ा है दोस्तों। माइक्रो एसडी कार्ड, ये जो सैंडिस का मैंने एक्सट्रीम माइक्रो एसडी कार्ड मंगाया था ये 1590 रुपये का था, 1430 रुपये का पड़ा मुझे HDFC के डेबिट कार्ड के थ्रू। और जो MI का पावर बैंक मैंने दिखाया था दोस्तों ये वाला, 1500 रुपये का था, 1350 रुपये का मुझे पड़ा है दोस्तों। और बाकी दो सामान और मैंने दिखाए थे, एक कैमरे को, ये एक कैमरे को प्रोटेक्ट रखने के लिए एक कवर दिखाया था, और एक जिस पे मैंने मोबाइल को लगाया हुआ है कैमरे की जो स्टैंडी है वो फ़ोन पे भी लग सकती है और कैमरे पे भी लग सकती है, तो उसको साथ में मिला के, और एक ये वाला, ये 796 रुपये का आया सामान। और जो बाकी आइटम मैंने आपको बताई है, टावल, छाता, स्लीपिंग बैग, कैंपिंग टेंट और बैग, मैट, टेम्पर्ड ग्लास गोप्रो का, और माइक्रो एसडी कार्ड, जो MI का मेरा पावर बैंक है वो, ये अपने को पूरा सामान पड़ा है डिस्काउंट होकर के 6835 रुपये का। और दोनों आइटम ये मिला के, ये और कैमरे की स्टैंडी, टोटल मिला के मुझे 7631 रुपये का सामान पड़ा है दोस्तों। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मैंने आपको सारा सामान दिखा दिया है। और मैं साथ ही साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि मैं अगले महीने से अपने ट्रैवलिंग को स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आप मुझे सजेशन देना कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, कमेंट करके बताना कि भी मुझे कौन सी स्टेट में जाना चाहिए सबसे पहले। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।